more videos, please subscribe, like and share. गुप्त नवरात्रि का पहला दिन। पहले दिन माँ शक्ति के स्वरूप माँ काली यानी कालिका की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ कालिका कलयुग की जागृत देवी मानी जाती है। माँ को दुष्टों का संहार करने वाला माना जाता है। माँ काली की पूजा गुप्त तरीके से की जाती है। आइए सुनते हैं माँ काली की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई थी। कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप बहुत अधिक बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल छल एवं महाबली असुरों द्वारा देवराज इंद्र सहित अन्य समस्त देवता गणों को निष्कासित कर स्वयं उनके स्थान पर आकर उन्हें प्राण रक्षा हेतु भटकने के लिए छोड़ दिया। दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि महिषासुर के इंद्रपुरी पर अधिकार कर लिया है। तब दुर्गा ने ही उनकी मदद की थी। तब वे से सभी देवी दुर्गा का आह्वान करने लगे। उनके इस प्रकार आह्वान से देवी प्रकट हुई एवं शुंभ निशुंभ के अति शक्तिशाली असुर चंड और मुंड दोनों का एक घमासान युद्ध में नाश कर दिया। चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने एवं अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज शुंभ ने अत्यधिक क्रोधित होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी और कहा कि आज 86 उधा युद्ध नामक दैत्य सेनापति एवं कंबु दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य कुल के 50, धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति मेरे आदेश पर सेना एवं कालक दोहर्द मौर्य व काल के असुरों सहित युद्ध के लिए कूच करें। अत्यंत क्रूर दुष्टाचारी असुर राजा राजशुंभ अपने साथ सहस्र असुरों वाली महासेना लेकर चल पड़ा। उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। पहाड़ों में दरारें पड़ गई। देवी की सिंह ने भी दहाड़ना प्रारंभ कर दिया। फिर जगदम्बिका ने घंटे के स्वर से उस आवाज को दुगना बढ़ा दिया। धनुष सिंह एवं घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। भयंकर नाद को सुनकर असुर सेना ने देवी के सिंह को और मां काली को चारों ओर से घेर लिया। तदंतर असुरों के संहार एवं देवगणों के कष्ट निवारण हेतु परमपिता ब्रह्मा जी विष्णु महेश कार्तिकेय इंद्र आदि देवों की शक्तियों ने रूप धारण कर लिए एवं समस्त देवों के शरीर से अनंत शक्तियां निकलकर अपने प्राकर्म एवं बल के साथ मां दुर्गा के पास पहुंची। तत्पश्चात समस्त शक्तियों से घिरे शिवजी ने देवी जगदम्बा से कहा, मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश करो। तब देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए
चंडिका देवी शक्ति रूप में प्रकट हुई। उनके स्वर में सैकड़ों गीदड़ों की भांति आवाजें आती थी। असुर राज शुंभ निशुंभ क्रोध से भर उठे। वे देवी कात्यायनी की ओर युद्ध हेतु बढ़े। अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण, शक्ति, शूल, फरसा, ऋषि आदि अस्त्रों शस्त्रों द्वारा प्रहार प्रारंभ किया। देवी ने अपने धनुष से टंकार की एवं अपने बाणों द्वारा उनके समस्त अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला जो उनकी ओर बढ़ रहे थे। मां काली फिर उनके आगे आगे शत्रुओं को अपनी शूल आदि के प्रहार द्वारा विदीर्ण करती हुई व खटांग से कुचलती हुई समस्त युद्ध भूमि में विचरने लगी। सभी राक्षसों चंड मुंडादि को मारने के बाद उसने रक्त बीज को भी मार दिया। शक्ति का यह अवतार एक रक्त बीज नामक राक्षस को मारने के लिए हुआ था। फिर शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद भी जब काली मां का गुस्सा शांत नहीं हुआ तब उनके गुस्से को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके रास्ते में लेट गए और काली मां का पैर उनके सीने पर पड़ गया। शिव पर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगा। जय माता दी। तभी से मां काली का यह रूप विश्व विख्यात हो गया। बोलो मां काली की जय हो।